ब्राउनी का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। लोग केक से भी ज़्यादा इसे खाना प्रेफर करते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं फजी चॉकलेट ब्राउनी। ये ब्राउनी बहुत ही अच्छी लगती है, जो चॉकलेट लवर है उसको तो ज़्यादा पसंद आएगी ये ब्राउनी। और ये ब्राउनी थोड़ी ऊपर से कड़क होती है और अंदर से थोड़ी सी मॉइस्ट होती है। आप घर पे इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और जी हाँ, साथ साथ में आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें 2 ग्लास पानी डाल के उसको बॉयल कर दिया है। पानी जब भी आपका बॉयल हो जाए तो ऊपर आप एक बड़ा सा बाउल रख दीजिए। और यहाँ पे हम चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं बटर के साथ। तो यहाँ पे मैंने बटर लिया है और उसमें मैंने 1/3 कप चॉकलेट लिया है, ये डार्क चॉकलेट है। और इन दोनों को अच्छी तरह से हमें मिलाना है, चॉकलेट और बटर एक हो जाए तब तक हमें इसको मिलाना है। और थोड़ी सी चॉकलेट हमारी पिघलनी शुरू हो जाए तब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे डबल बॉइलिंग मेथड कहते हैं। तो हमारी चॉकलेट बटर के साथ एकदम पिघल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इस बाउल को एक साइड रखेंगे और इसको एकदम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। हमें इसमें गरम गरम में ही हमें कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करने हैं। तो वो ठंडा हो रहा है तब तक दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर मैंने ये नमक डाला है। ये नमक मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। तो अच्छी तरह से इक्वली इस नमक को हम कढ़ाई में फैला देंगे और इसको प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए उसको प्रीहीट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे हम ओवन का यूज़ नहीं कर रहे, तो हम कढ़ाई में ही बना रहे हैं। तो हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो रही है, तब तक यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है और उसको मैं बटर से ग्रीस कर रही हूँ। उसके किनारे पे भी हमें बटर से ग्रीस करना है अच्छी तरह से। और हम यहाँ पे पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर से उसको लाइनअप भी कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ब्राउन इजीली डिमोल्ट हो जाएगी। तो चलिए, अच्छी तरह से बटर पेपर लाइन अप करने के बाद बटर ग्रीस कर लिया है इसके ऊपर। और दूसरी तरफ हमारा जो मेल्टेड चॉकलेट था एकदम रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो उसके ऊपर बड़ी छन्नी रखी है और उसमें मैंने 1/2 कप मैदा डाला है और 1/2 कप मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर यूज़ की है और ऊपर से एक बड़ा चम्मच भी और डाला है। और 2 पीस यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है और 4 बड़े चम्मच यहाँ पे कोको पाउडर है। ये कोको पाउडर अनस्वीटेड है। और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से छान लेंगे। यहाँ पे 3-4 ड्रॉप्स यहाँ पे वेनिला एसेंस भी मैं डाल रही हूँ, जो अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर देगा ब्राउनी को। अच्छी तरह से हम सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसको एकदम जेंटली ही मिक्स करना है, अच्छी तरह से हल्के हाथों से हमें इसको एक मिक्स देना है। तो चलिए हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच यहाँ पे दूध डालूँगी और ये दूध भी रूम टेम्परेचर वाला है, हमें ठंडा दूध यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना है। और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। ब्राउनी का बैटर हमेशा गाढ़ा ही होता है, वो पतला नहीं होता है केक की तरह। तो हम एकदम गाढ़ा सा बैटर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो ये कितना गाढ़ा है, ये बस हमें यही कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी करना है। तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जो बेकिंग ट्रे थी हमने ग्रीस की थी और पार्चमेंट पेपर से उसको लाइन अप किया था, उसमें हम हमारा बैटर पोर कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसको किनारे में भी अच्छी तरह से फैलाएंगे। से क्या होगा कि ब्राउनी एकदम इक्वल शेप में आएगी।
तो यहाँ पे 3-4 बार टैप करने के बाद हमारी जो प्री हीटेड कढ़ाई थी उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर ये बेकिंग ट्रे हम रख देंगे। उसके बाद हम कवर कर लेंगे लीड को और यहाँ पे हम लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमारे ब्राउनी को पकने देंगे। करीबन 30 से 40 मिनट लगते हैं इस ब्राउनी को बनने के लिए, 40 मिनट लग चुके थे। आपके गैस की फ्लेम पे ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कम ज़्यादा टाइम कितना लेता है, तो हम पकने के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो 40 मिनट के बाद हमारी ब्राउनी एकदम पक चुकी है और आप चाकू या टूथपिक की मदद से उसको सेंटर में ऐसे चेक कर सकते हो, तो एकदम क्लियर नाइफ आया है। इसका मतलब ये है कि हमारी ब्राउनी पक चुकी है। तो हम इसको कढ़ाई में से निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो एकदम 1 घंटे के बाद ये ब्राउनी एकदम ठंडी हो चुकी है, तो हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल फजी चॉकलेट ब्राउनी हमारी घर पे ही रेडी है। हम घर पे जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो एकदम प्योर नेचुरल होते हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। तो ये ब्राउनी आप यकीन मानोगे मार्केट से भी बहुत ही टेस्टी लग रही थी, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर पीसेस में कट कर रही हूँ। आप जब भी ब्राउनी कट करें तो आप जब कट करें तो दूसरी बार क्या करिए कि नाइफ़ को अच्छी तरह से टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से क्लीन कर दीजिए, उसके बाद ही इसको कट करिए। इससे क्या हो, आपको ये ब्राउनी बहुत पसंद आएगी, आप घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आया हो वीडियो तो आपके फ्रेंड और फैमिली ग्रुप में उसको ज़रूर शेयर करना। ये ब्राउनी आप चॉकलेट सॉस या वैनिला आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हो। एकदम परफेक्ट फजी टेक्सचर वाला ये चॉकलेट ब्राउनी बना है, घर पे ज़रूर एक बार ट्राई करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।